नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। सोनकच्छ कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना की कार्यशाला में क्षेत्र विधायक लोनीवी व पर्यावरण मंत्री सज्जन वर्मा एवं हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी के मुख्य अतिथि के रूप में हुआ। इस अवसर पर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव से पूर्व कमलनाथ ने 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की घोषणा की थी, उसके बाद 31 मार्च तक कर्ज माफ करने के लिए कहा है। जब कैबिनेट की बैठक हुई तो सभी मंत्रियों ने एक सुर में कहा कि शपथ ग्रहण करने तक की किसानों की कर्ज माफी की जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही खजाना खाली हो लेकिन उसकी भी व्यवस्था करेंगे और 12 दिसंबर तक का कर्ज माफ किया जाएगा, किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज घोषणा करके जा रहा हूं, 1 माह के अंदर किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए प्रकरण वापस लिए जाएंगे। ये योजना आज से पूरे प्रदेश में लागू हो गई है, किसान मुख्यमंत्री किसान कर्ज माफी योजना। कमलनाथ जी ने तत्काल ये योजना का लाभ किसानों को मिले, अधिकारियों को निर्देशित कर दिया। हर पंचायत में जिन्होंने कर्ज भर दिया उनकी सूची, जिन्होंने कर्ज नहीं भरा जितना भी उन पर कर्जा है उसकी सूची, और जो गलती से छूट गए उनकी सूची, ऐसी सूचियां बन के लग रही है। और 22 फरवरी के पहले किसानों के खाते में पैसा डल जाएगा, जिन किसानों ने कर्जा नहीं पटाया उनका, और जिन लोगों ने 31 मार्च के पहले पैसा भर दिया उनको अलग से सम्मान निधि और सम्मानित पत्र भी दिया जाएगा। तो ये योजना किसानों के हितकारी। सर, सर्दी से बहुत सारे किसानों की फसल खराब हुई, उसके लिए क्या कर रहे हैं सरकार? एक मिनट। हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसका तत्काल आकलन किया जाए, खेत खेत का सर्वे हो, और हमने कहा है कि लिबरल होके, नरम होके जांच हो और ज़्यादा से ज़्यादा फसल नुकसानी की बात की जाए। हमारी सरकार पैसा देने में सक्षम है, भले शिवराज ने खजाना खाली छोड़ा हो पर हम सक्षम है कि हम उनका पैसा। सर, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दौलतपुर में किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब तो भाषण क्या देंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ सारी बातें तो उन्होंने 21,000 घोषणा करी थी, 21,000 घोषणा यदि 15 साल का शासन मान लें तो एक एक दिन में कम से कम 50-50, 60-60 घोषणा आती है। 15 साल के दिन गिन लो और 21,000 घोषणा को उससे डिवाइड कर लो, 50-50, 60-60 घोषणा एक दिन में करी है, पूरी हुई है 10-20%। तो वो बेचारे बोलेंगे कि आएंगे कि गलती हो गई माफ कर दो, ये हो गई। सोनकच्छ से योगेश ओझा की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।